इस वक्त बिहार में आप देखिए अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है। बदमाशों ने बिमल कुमार को गोली मार दी है। देखिए अररिया में अपराधियों ने एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी। एक अखबार से जुड़े बिमल कुमार को उनके घर में घुसकर गोली मारी गई। बाइक सवार बदमाशों ने आज सुबह इस वारदात को अंजाम दिया और फिर फरार हो गए। 4 साल पहले बिमल कुमार के छोटे भाई शशि भूषण यादव उर्फ गब्बू यादव की भी हत्या की गई थी। इस मामले में बिमल कुमार अकेले गवाह थे। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पत्रकार की मौत पर सियासत भी शुरू हो गई है। वारदात की खबर मिलते ही बीजेपी सांसद मौके पर पहुंचे और कहा कि बिहार में जंगल राज लौट आया है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिहार का ग्राफ घटा है, परसों भी गोली चली है, परसों गोली चली है रानीगंज में, बाल बाल बचा है। इस तरह की जो आपराधिक घटना पत्रकार के ऊपर, कभी प्रशासन के पदाधिकारी के ऊपर होता है, इसे क्या कहेंगे? अरे हम लोग जब बोलते हैं जंगल राज, यही ना जंगल राज है, यह प्रूफ हो रहा है ना। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री सुशासन बाबू से मैं पूछना चाहता हूँ कि अब भी आपको शर्म नहीं आ रहा है क्या? बेशर्मी का भी पार कर गई है सरकार। मित्रों, मैं यही कहूँगा कि बिहार में जंगल राज शुरू है। एक तरफ दरोगा का मृत्यु हुआ आज 3 दिन पहले, हम लोग उसका अंतिम संस्कार करके आए हैं। कल रानीगंज में घटना घटी है और आज अभी सुबह हम लोग सोए थे, सुना कि पत्रकार को गोली मार दिया। घर से उठाकर गोली मारी गई है सर? घर से उठा के पत्रकारों को गोली मारी जाती है। और प्रशासन शासन कुछ है नहीं बिहार में, भगवान भरोसे यह राज चल रहा है। निश्चित रूप से इसका जवाब नीतीश कुमार जी को देना चाहिए। इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश चंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। नीतीश, आखिर ये हो क्या रहा है? किस तरीके की घटना सामने आ रही है? गोलीकांड हो रहा है, पत्रकार को घर से उठाकर गोली मारी जा रही है, कौन है ये लोग? देखिए, अभी पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है, लेकिन जो शुरुआती जानकारी परिवार के लोगों से मिली है उसमें ये बताया गया है कि पिछले कुछ दिनों से उनको धमकी भी दी जा रही थी। दरअसल 2 साल पहले इनके भाई की हत्या हुई थी और उस मामले में ये काफ़ी एक्टिव थे, लगातार कोर्ट जा रहे थे और इनको मना किया जा रहा था कि आप कोर्ट ना जाएँ, तो धमकियाँ दी जा रही थी। अब पुलिस उस मामले को ध्यान में रखकर जाँच कर रही है। इसके अलावा कई दूसरे पहलू हैं, उनको भी पुलिस देख रही है कि आखिर हत्या के पीछे की वजह क्या है। लेकिन जिस तरीके से सुबह घर पर आकर अपराधियों ने 4 की संख्या में आकर उनको आवाज़ लगाई और बाहर जब वो आए तो उनको गोली मार दी, उसके बाद पूरे इलाके में सनसनी है। अब पुलिस का ये दावा जरूर है कि अपराधी पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन जिस तरह से लगातार घटनाएं हो रही हैं इसको विपक्ष अब मुद्दा भी बना रहा है। कुछ दिन पहले ही अभी समस्तीपुर में एक सब इंस्पेक्टर की अपराधियों ने हत्या कर दी जो पशु तस्करों को पकड़ने के लिए गए थे। तो इधर हाल के दिनों में जो घटनाएं बढ़ी हैं उसको लेकर विपक्ष अब सवाल भी उठा रहा है। हालांकि नीतीश कुमार से कल ये सवाल हमने पूछा था तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हो रहा है, आंकड़े इसकी गवाही नहीं देते हैं। तो सियासत हो रही है और इसको लेकर जाहिर है अब आगे भी इस तरह की राजनीति देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया नीतीश, पूरी जानकारी के लिए आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।